जवाब नहीं दे सकते, पर हम दूसरे सवाल का जवाब देंगे क्योंकि हमने इस सवाल को दोहराया, दो तीन दफा दोहराया, ये जवाब नहीं दे सकते भाई। मुझे यकीन है, बिल्कुल 100% यकीन है। ये तो क्या, ये फखर राजी को भी कब्र से निकाल दे, माधुरी को भी कब्र से निकाल के लाए अपने साथ बिठाए, वो भी जवाब नहीं दे सकते कि बके छे हरूफ कहां, बके मांगे छे हरूफ, लहजा चार में लहजा नहीं है। लेकिन तुम ये तो तुम्हारा किताब है, और ये असह कुतुब असहीहैन असहीहान असह कुतुब बाद किताब अल्लाह, किताब अल्लाह के पास सबसे सही किताब क्या तुम्हारे पास बुखारी मुस्लिम है, वो कहते हैं कुरान का नाकिस है। तो बताओ ये सवाल का जवाब आप कह रहे हो, बिस्मिल्लाह दूसरा सवाल कोई बात, बिस्मिल्लाह मैं बात कर, जी सर जी, आप ये हदीस पढ़ी, इससे साबित करने की कोशिश की कि आप सुन्नत के नजदीक ही, यानी जी सर जवाब जवाब अहले बैत इस्लाम का इसके अंदर क्या किरदार है, कुरान मजीद जैसे उतरा था हजरत आयशा की रिवायत के मुताबिक उससे कोई इसका ताल्लुक नहीं है, उससे क्या किरदार था, वो दूसरा सवाल है। ये हुक्म का मुझे नहीं आता, वही मुझे जाए मुंबई, मुझे नहीं आता हजरत का सारा क्या किरदार है, मैं नहीं आता इस जवाब, तुम जवाब सामने सवाल मेरे जवाब का उसका जवाब दे दो अहले बैत के साथ। तो ये बातें करें आप अपने मानने वालों को सुनने वालों को, ये भी तो समझाएं ये भी तो सुनाएं, आप अपने ये तो अपने ज़हन और सोच के मुताबिक बातें कर लिया कि आप सुन को माफ़ते आयशा ये कहती है, मुस्लिम ये कहती है, बुखारी ये कहती है, आप इससे ये भी तो बातें करें अपने सुनने वालों को सुनाएं कि अहले बैत ने क्या किरदार अदा किया कुरान मजीद की हिफाजत के मुकाबले। अब इनके सवाल का मेरे सवाल से कोई ताल्लुक है, अगर इस शख्स के पास जवाब देता तो मेरे सवाल का जवाब देता। मैंने आज क्या किया, मैंने कहा कि आप फखर राजी को कब्र से निकालो ना, इब्न तैमिया को कब्र से निकालो, दोनों को साथ बिठाओ, वो दोनों सवाल के जवाब नहीं दे सकेंगे। हाँ क्यों नहीं दे सकते, इसका जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास, देख नहीं सकता जी, क्योंकि तुम पागल रहते हो कि जो कुरान के नुकसान का कायल हो वो काफिर होता है। मैंने साबित किया कि बुखारी मुस्लिम दोनों कुरान के नुकसान के कायल हैं, तो साबित हुआ कि आपके ही किताब के मुंह से बुखारी भी काफिर मुस्लिम भी काफिर, तुम्हारा आइना सब काफिर, तुम्हारे सहाबा के को अपने सहाबा के कुतुब में तुमने फतवे दे दिए, शिया दुश्मनी है, तुम भूल गए, तुम भूल गए कि शिया से दुश्मनी पर तुम ना तुम उसी कुतुब के फतवे करते हो। सबसे पहले एक कुतुब का फतवा तुम्हारे आइना के जमीन पे लगता है, यह भूल गए तुम लोग, ठीक है। मेरे सवाल का जवाब तो तुम भी कि तमाम मशाइख इस्लाम को जमात उमदिया के
یہ قرآن کی دلیل ہے کہ آپ کے قرآن تمہارے مذہب میں کامل ہے. میرا چیلنج ہے کبھی نہیں آ سکیں گے اس جیسے کو بیچیں گے.